कैसे हैं आप सब? और दोस्तों, तो मैं आपको ले चलता हूँ आज नेपाल। नेपाल नहीं, मतलब नेपाल का जो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, वैसा एक मंदिर हमारे कानपुर में भी है, मेरे घर से बहुत नज़दीक में है। बाहर का मौसम भी ख़राब है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, नज़दीक में तो जा सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं एक मिनी नेपाल कानपुर में भी। तो काफ़ी फेमस नेपाली मंदिर है ये, और जो वहाँ के जो भी अध्यक्ष हैं और जो भी हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। तो बाकी बातें दोस्तों वहीं पहुँच के होती हैं, नेपाली मंदिर पहुँच के। तो थोड़ी देर में आपको मैं नेपाली मंदिर में मिलता हूँ। तब तक लिए दोस्तों ध्यान रखिए अपना। पहुँच गया हूँ, लेकिन बरसात बहुत हो रही है। मैंने जैसे कहा था कि मौसम बहुत ख़राब है, तो मैं दिखाता हूँ आपको मौसम कैसे हो रहा है। ये छाता तो मुझे मंदिर के अंदर से मिला है, एक जन ने दिया है। और पानी जिस तरह से गिर रहा है, लग नहीं रहा है कि पानी रुकेगा। और अभी मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये देखिए, ये है कानपुर का प्रसिद्ध नेपाली मंदिर। और इसकी जो रूपरेखा है वो बिल्कुल नेपाल के पशुपतिनाथ जी के मंदिर के जैसे ही है। और उस पेड़ के पीछे आप देख रहे हैं, वो गुम्बद बना हुआ है, मंदिर का ही है। ये मंदिर के अंदर पूजा चल रही है, तो मैं अभी आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर। चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं मुख्य द्वार में। अभी भी पूजा हो रही है अंदर। ये देखिए, आपके मंदिर खुलने का समय दिया हुआ है। और अभी सारे जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री जो हैं, सबका नाम डिटेल दिया हुआ है फ़ोन नंबर के साथ। तो अगर कुछ काम हो अगर आपको नेपाली मंदिर संबंधित, तो आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अंदर आ गए हैं, खाता रख दिया है खाते की जगह पर। उनसे लिया था, बोल रहे थे ये रख देना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री कहाँ से होती है और कैसे जाना है। आपका मुख्य द्वार है, यहाँ से आने के बाद आप जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। जाने से मंदिर सामने दिख रहा है, मेन गेट मंदिर का। लेकिन ये बरसात हो रही है तो यहाँ से आना ठीक नहीं है। अभी तो मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ पे कुछ फ़ोटो है वो दिखाता हूँ आपको। अब ये नेपाल का मंदिर के बारे में बताया गया है। ये और ये है, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगता है अंदर से देखने में, काफ़ी विशाल का पेड़ है। अभी मंदिर प्रांगण में काम चल रहा है, मंदिर में कुछ निर्माण हो रहा है, उसी के लिए पड़ा है बालू वालू यहाँ पे। और ये देखिए, ये आपका नेपाल का ही मंदिर है। और ये जन्माष्टमी मनाते हुए सीसी नेपाली मंदिर में, तब का है ये। और ये आवाज़ विकास की, हमारे एरिया की जो विधायिका जी हैं श्रीमती रीना कटियार जी, वो आई थी कि इस चीज़ को उद्घाटन के लिए वो किया गया होगा उद्घाटन यहाँ पे, किसी का था मुझे पता नहीं। अब यहाँ पे जितने भी अभी तक के संस्थापक हैं, संस्थापक का नाम लिखे हुए हैं, और भी कुछ होगा जिसके बारे में सही जानकारी नहीं है। और ये आपका नेपाल के मंदिर के बारे में बताया गया है यहाँ पे। और ये हैं कुछ नेपाली समुदाय के लोग जो जिन्होंने इंडिया के लिए सर्व किया है अलग अलग क्षेत्रों में, आर्मी में, स्पोर्ट्स में। ये कुछ फोटो लगी है संस्थापकों की, फोटो गई है नेपाली समाज नेपाली मंदिर की। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। ये मंदिर का मेन द्वार है दोस्तों, ये है मंदिर का मेन गेट, मेन द्वार। ये पूजा करवा रहे हैं। और ये है आपके पशुपतिनाथ, पूजा हो रही है।
तो अभी पूजा करके चला गया हूँ, बाहर पूजा आया, पूजा किया, उसके बाद बाहर जाके फिर वापस आया और यहाँ पे सारी डिटेल दिया हुआ है नेपाली मंदिर के बारे में, सबके नाम, सबके जो भी पद था सबके बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है। ये सब बजरंगबली की मूर्ति है, राम जी, लक्ष्मण, सीता माता जी की है मूर्ति, सारे भगवानों का मूर्ति है यहाँ पे, विष्णु जी का भी है, ये राधा कृष्ण जी का भी है, ये गणेश जी की मूर्ति है। और यहाँ पे हवन हवन भी होते हैं, यहाँ पे पूजा भी होती है, हवन के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, यहाँ पे हवन कुंड है, यहाँ पे हवन होता है। गाड़ी खड़ी कर दी गई यहाँ पे आज, क्योंकि बरसात हो रहा है तो बरसात का है सीजन, तो गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई है। इधर भी एक शनि जी की मूर्ति है और बगल में बजरंगबली जी की मूर्ति है। और ऊपर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा एकदम नेपाल के पशुपतिनाथ जी के जैसा ही है। आइए दोस्तों चलते हैं अंदर। ये आपका चारों तरफ से मंदिर खुला हुआ है पशुपतिनाथ जी का। अब यहाँ पे पूजा हो गई है। ये अंदर पशुपतिनाथ जी हैं। पूजा हुई है यहाँ पे अभी भी। ये हमारे मंदिर के पुजारी जी हैं, ये पशुपतिनाथ जी बाबा रखते हैं यहाँ पे। ये आपके बजरंगबली जी का ये मंदिर है छोटा सा, और साथ में ही आपके शनिदेव जी का ये मंदिर है, ये तो भोलेनाथ जी का मंदिर है, और ये शनिदेव जी का मंदिर है। अभी तो कुछ देर पहले जब मैं शूट कर रहा था तो पानी गिर रहा था, अभी पानी रुक गया है तो इसलिए मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरे भतीजे, मेरा भाई निकल के आ रहे हैं बाहर, और लोग अपना अपना आशीर्वाद ले रहे हैं पशुपतिनाथ जी से। और यहाँ पे अभी एक पूजा का तैयारी शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे लोग पूजा कराते हैं अपने अपने इच्छा, अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार। और अभी मुझे भी प्रसाद मिला है, ये देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूजा प्रारंभ हो रही है, इसकी तैयारी होती है कम्प्लीट, और पंडित जी दूसरा पूजा कराने जा रहे हैं। और ये मेरी भतीजी यहाँ पे खेल रही है, मेरे पीछे आ रही है मेरे पास गोद में आने के लिए। लो लो लो, प्रसाद मांग रही है। मेरा भाई है। आज हमारे अध्यक्ष जी तो नहीं आए हुए हैं, लेकिन उपाध्यक्ष जी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, अभी थोड़ा बिजी हैं वो काम में अपने, तो दिखाता हूँ। हमारे आप उपाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं विनोद शर्मा, और पंडित जी हैं हमारे, और मेरी भतीजी है कलावा बंधवा रही है, मेरा भाई है, प्रसाद पकड़े हुए हाथ में। कुछ और दिखाते हैं, यहाँ पर अखंड ज्योति जो है पिछले 20 साल से लगातार जल रही है, एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये है वो अखंड ज्योति जो पिछले 20 साल से लगातार जल रहा है, कोई बुझता नहीं है ये। और एक ज्योति इस तरह की एक और भी है, जो उधर उधर एक मूर्ति जो है उसके, उनका भी दुर्गा जी की मूर्ति के बगल में भी है। चलिए दोस्तों, पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर लीजिए एक बार फिर से। दोस्तों तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ मंदिर के बारे में, थोड़ा बहुत मंदिर का इतिहास पता है मुझे, क्योंकि जो यहाँ के अध्यक्ष हैं श्री कृष्णा सिंह क्षेत्रीय, मेरे चाचा जी लगते हैं वो, तो उनके जरिए मुझे पता चला है थोड़ा बहुत कि मंदिर का निर्माण कब हुआ था, शिवलिंग की स्थापना कब हुई थी। तो इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1978 में, 1978 में। एक्चुअली ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि नेपाली समुदाय की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पर, उसको देखते हुए यहाँ पे निर्माण किया गया है इस मंदिर का। और
निर्माण 1978 में हुआ था, लेकिन शिवलिंग की स्थापना जो है वो 1996 में हुआ था। और जो शिवलिंग का जो शिवलिंग है यहाँ पे, उसको जयपुर के कारीगर ने बनवाया था, जयपुर के कारीगर ने बनाया था। और क्या बताऊँ, हाँ, और उस समय जो नेपाल के तत्कालीन राजा थे बीरेन शाह, उन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए 31,000 रुपये दिए थे उस टाइम पे। और मंदिर का निर्माण जो है वो 14, ये देखिए मेरी भतीजी मेरे पीछे पीछे आ रही है, ये है मंदिर का निर्माण जो दिन है वो 14 मई होता है। तो हर साल 14 तारीख को 14 मई को यहाँ पे पूजा पाठ होती है, काफ़ी बड़ा भंडारा भी होता है। और जो भी नेपाली समुदाय के अपने भाई बहन हैं और जो भी अपने लोग हैं, वो पूजा पाठ करना हो तो वहाँ पे आके करते हैं, यहीं पे आके नेपाली मंदिर में। और शादी के बाद भी लोग यहाँ पे आते हैं, शादी करने के लिए भी आते हैं यहाँ पे, शादी भी होती है इधर। तो शादी के बाद जो पूजा होती है, सब पूजा होती है यहाँ पे। तो ऐसा है इसका कुछ इतिहास, इस मंदिर का इतिहास। तो चलते हैं दोस्तों, आपको मैंने नेपाली मंदिर दिखा दिया, अब किसी दिन किसी और मंदिर में चलते हैं, वहाँ के बारे में बताएंगे थोड़ा सा आपको। मैं भी घूमूंगा और आपको भी घुमाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और दिन किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय श्री राम।